हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग रिव्यूज एपिसोड 2। तो भाई गेमिंग रिव्यूज एक ऐसा सीरीज है जिसमें हम रैंडमली कोई भी एक पुराना हो नया हो कोई भी एक गेम को उठा लेते हैं और उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब निकाल लेते हैं भाई। तो भाई अभी कुछ दिनों से एक गेम बड़े ही चर्चे में है जिसका नाम है रॉकेट अरीना और ये बहुत ही नया गेम है भाई। भाई विश्वास नहीं होता तो देख सकते हो भाई जाके गूगल पे, ये बड़ा ही नया गेम है और बड़ा ही प्यारा गेम है जो कि अभी अर्ली एक्सेस पे चल रहा है। इसका बैटल पास अभी तक आया नहीं है क्योंकि इसमें अभी तक प्री सीजन चल रहा है। तो चलो भाई इस गेम का आज होने वाला है गेम का रिव्यू, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारा ओपनिंग स्क्रीन पे और इसका प्राइसेस और आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स है वो अभी अपना स्क्रीन पे आप देख सकते हो भाई। तो भाई अभी बातचीत करते हैं कि इस गेम में मोड्स कौन कौन सा है, तो चलो भाई आओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक है तुम्हारे पास सोशल, एक है तुम्हारे पास प्री सीजन रैंक, एक आता है तुम्हारे पास प्राइवेट मैच और एक होता है तुम्हारे पास प्रैक्टिस मैच। तो भाई ये चार तुम्हें मेन मैचेस का मोड देखने को मिल जाता है। सोशल में तुम अपना फ्रेंड्स के साथ खेल लो, प्री सीजन और रैंक्ड में तुमको शायद से यहाँ पे वही सिस्टम होता है ब्रोंज गोल्ड वगैरह का कुछ रैंकिंग होता है भाई। फिर प्रैक्टिस मोड पे तुमको प्रैक्टिस करने को मिलता है और प्राइवेट मैच तुम्हारा रूम मैचेस होता है। कंप्यूटर्स यहाँ पे तुम लोगों को काफ़ी सारा देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख रहे हो एक से बढ़कर एक, और इन लोगों का बात किया जाए इन लोगों का एक एक स्किन आपको फ्री मिलता है अगर आपके पास प्रीमियम एडिशन है तो, और भाई आप ले सकते हो प्रीमियम एडिशन अगर आपको मन है तो। और इसके अलावा बात किया जाए इसका स्किन्स के बारे में, स्किन्स काफी कूल है आपको एक एक करके दिखा देते हैं वो भी भाई। I joined this tour to honor my ancestors. I am Kai. Time to track down a Megadon. भाई आप देख ही सकते हो तो काफी कूल कूल स्किन्स है इन लोगों का, काफी अच्छा लगता है भाई। मेरे को पर्सनली बताएं तो ये जो भी प्लेयर्स और स्किन्स है काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको जो फ्यूल्स होता है रॉकेट फ्यूल्स वो आपको प्रीमियम एडिशन के साथ 1000 रॉकेट फ्यूल्स फ्री देखने को मिल जाता है भाई, कम्प्लीटली फ्री आई मीन। और इसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा पैटर्न्स वगैरह का देखने को मिल जाता है, और स्टोर पे अगर आप आ जाते हो तो आपको देखने को मिल जाता है कुछ स्किन्स, एक दो आपका फ्लैग स्टिक्स, और भाई 950 रॉकेट फ्यूल्स आपको फ्री में अनलॉक करने के लिए मिलता है बैटल पास प्री ऑर्डर। भाई ये बैटल पास बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाता है, 27-28 तारीख को आपको देखने को मिल जाना चाहिए मेरे को जितना याद आ रहा है, बट ये आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो आओ भाई देखते हैं इसका बाकी गेम क्वालिटी के बारे में, फिर और गहराई में कुछ जांच करेंगे इसका। Two hours later. भाई इसको क्या हो गया, हजारों साल लेगा क्या ये? 2000 years later. तो भाई यहाँ पे हम आखिरी 100 साल से इंतजार कर रहे हैं इस गेम को चालू होने के लिए, बट चालू होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा ये। सो
चलो भाई इसको कैंसिल करते हैं, ये तो पता चल गया है इसका मामले में इसको भी रेटिंग मिलने वाला है। चलो कोई नहीं, थोड़ा गेम प्ले तो देखना है, तो चलो प्रैक्टिस मैच में ही देखते हैं जरा इसका गेम प्ले भी। Choose your hero. तो आ चुके हम अपना मेन स्क्रीन में, कौन से ले? ये वाला लेते भाई, बड़ा प्यारा लगता है मेरे को। Let's hit the trail. हाँ भाई मारेंगे, सबको मारेंगे भाई आज इससे। ये देखो इसका रूल मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, इस प्लेटफॉर्म से सामने वाले को बाहर फेंकना पड़ता है। तो ऐसे करके आप आगे भी बढ़ सकते हो और इधर उधर भी मूव कर सकते हो भाई, आपको काफी कूल लगने वाला है। वैसे तो मेरे को तो इसका ग्राफिक्स काफी अच्छा लग रहा है, ग्राफिक्स और लाइटिंग वगैरह, बट मेरे को बाकी चीजें एकदम अच्छा नहीं लगा है। बाकी जितना भी क्रूज वगैरह है वो एकदम ही अच्छा नहीं लगा मेरे को, पता नहीं कैसे। बट इन लोगों का जो बाकी जो गेम क्वालिटी है काफी अच्छा है। मेरे को लगता है ये जो मैच मेकिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ये फिक्स हो जाने वाला है बहुत जल्दी, और वो फिक्स हो जाते ही भाई बाकी तो मजे ही मजे है भाई। बाकी मैच मेकिंग का ये एक इशू होता है इसके साथ, मैंने भी देखा है काफी बार मैच मेकिंग का काफी ज्यादा इशूज है इसके साथ, तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है इसका मैच मेकिंग का, बट कुछ तो इशूज होता है जिसके वजह से ये उल्टा सीधा कांड होता है हर बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी अच्छा है। तो अभी आ जाते हैं इसका मेन पार्ट, इस मैच को क्विट करते हुए इसका मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि है इसका लाइटिंग वगैरह का पार्ट। इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड सराउंडिंग्स पे मैं इसको आउट ऑफ 10 स्टार्स इसको मैं 7.3 देना चाहता हूँ। ग्राफिक्स के मामले में बोला जाए तो 10 स्टार्स में से 8.9, लाइटिंग का मामले में बोला जाए तो मैं इसको 10 में से 8.7 दूंगा। प्री सीजन रैंक्ड जो है इसके मामले में बोले तो 10 में से भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, मेरे को आपको 0 ही देना पड़ेगा। तो इसमें और जो मेन गेम प्ले है, प्लेयर प्ले है, उसमें भी मेरे को 0 ही देना पड़ेगा, क्योंकि एक भी मैच हमें खेलने दिया गया ही नहीं है, इसमें ओपोनेंट से नहीं मिल रहा है भाई। और अगर ओवरऑल के बात किया जाए, अभी तक प्री सीजन में मैं इसको आउट ऑफ 10 इसको मैं 5.7 रेट करने वाला हूँ भाई। और अगर मेरे से आप लोग पूछते हो कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं पैसा लगा के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 27 या 28 के बाद खरीदिए, और खरीदना है तो बेस वर्जन खरीदिए भाई, क्योंकि ये जो सीजन पास वगैरह है इसमें कुछ नहीं रखा है, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है सिवाय कि एक सीजन पास और कुछ कपड़े, कुछ हथौड़े, यही सब मिलने वाला है, जिसका सिर्फ स्किन होता है जो अच्छा देखने के लिए होता है बस, और कोई काम नहीं है। सो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि उस पर आप पैसे इन्वेस्ट करें। और बाकी बात किया जाए कब खरीदना चाहिए, तो आपको 27 या 28 के बाद खरीदना चाहिए, अभी खरीदना बेवकूफ़ी होगी। तो भाई आज के लिए इतने तक ही है हमारा रिव्यू का एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा है एपिसोड तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते चाहिए। और अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो तो भाई मेरे को फेसबुक पेज और हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना ना भूले। और भाई फेसबुक पे बहुत जल्दी हमारा 2K फॉलोअर्स होने वाला है, तो भाई जल्दी से करवा दो भाई। इतना ही कहना था, मिलते हैं आपसे एक नया और फ्रेश गेम रिव्यू एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।